अंबेडकर भवन के अंदर भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश का कार्यालय, और चलते हैं कार्यालय के अंदर और लेंगे आज इस कार्यालय की जानकारी महासचिव रंजीत सिंह जी से। विश्व को शांति का उपदेश देने वाले भगवान बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व, भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए मैं समता आवाज टीवी चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि समता आवाज टीवी चैनल ने पूरे भारतवर्ष में धूम मचा रखी है और वो समाज के सब सर्व समाज की बात करते हैं, सबके हित की बात करते हैं, और ये हम सबका फर्ज बनता है कि इनके कदम से कदम मिला करके इनके सहयोगी बनकर काम करें। मैं रणजीत सिंह, महासचिव भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश, आप सभी का अभिनंदन स्वागत करता हूं। भारतीय बौद्ध महासभा जो बाबा साहब अंबेडकर की बनाई हुई संस्थाएं, भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल एवं शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, जिसमें से भारतीय बौद्ध महासभा का जो कार्यालय है इसमें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और भगवान बुद्ध एवं बाबा साहब के बताए हुए उपदेशों को घर घर तक फैलाने तक, जन जन तक फैलाने तक का काम कर रहा है। हम यहाँ पर प्रतिवर्ष बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाते हैं जिसमें बहुत सारे परिवार बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं और उनको हम कार्य सर्टिफिकेट इशू करते हैं। उन सर्टिफिकेट से हर एक आदमी अपने क्षेत्रीय SDM ऑफिस में जा कर के अपना सर्टिफिकेट बना सकता है, क्योंकि हमारा फर्ज इसलिए ज़्यादा बन जाता है कि भारतवर्ष में बौद्ध धर्म होने के नाते और बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या तो बहुत है लेकिन रजिस्टर्ड बहुत कम हैं। उसका मेन कारण हमारे बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। हम उस काम को ज़्यादा से ज़्यादा तहे दिल से हर एक आदमी को, हर एक जन को जोड़ने का काम कर रहे हैं और इससे हमारा काम बौद्ध बनाना, भारत को बौद्ध में बनाना। बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की लेंगे दीक्षा। बाबा साहब ने कहा था कि मैं इस भारत देश को बौद्ध में देश देखना चाहता हूँ, जिस बौद्ध धर्म के तहत हर एक आदमी का कल्याण, हर एक का विकास, सबके लिए विकास की बात करता है। बौद्ध धर्म सबके मन की भावनाओं को, सबको ऊंचाई पर ले जाने का काम करना चाहता है। इसलिए हमारा प्रयास है कि बाबा साहब के सपनों को, जो बाबा साहब ने सपना देखा था, भारत बौद्ध में बने और बौद्ध में बन कर रहेगा, ऐसा हमारा प्रयास और हमारी ऐसी कामना है। क्योंकि बौद्ध धर्म ही सत धर्म है। बौद्ध धर्म के अंदर सबके लिए न्याय, सबके लिए इज्जत और सबके लिए काम की वो धारणा रखता है। ये ऑफिस संचालित कैसे होता है और लगभग कितने दशक इस ऑफिस को अंबेडकर भवन के अंदर हो गए? ये जहाँ तक मेरे उसकी नॉलेज की बात है, यहाँ पर मैं इसको सन 1975 से देख रहा हूँ। सन 1975 में मैं दिल्ली आया था, जब से यहाँ पर ये बौद्ध धर्म का कार्यालय चल रहा है। और इसमें कितना स्टाफ है इस ऑफिस में? इस ऑफिस में हमारे दिल्ली प्रदेश का कार्यालय है और राष्ट्रीय कार्यालय भी है। राष्ट्रीय कार्यालय तो अभी 3 साल पहले से बना था। भारतीय बौद्ध महासभा के यहाँ हर हफ्ते शुक्रवार को 4 बजे इकट्ठा होते हैं सभी पदाधिकारीगण, और जो हमारे समाज की समस्याएं, क्रियाकलाप होते हैं, उन पर विचार विमर्श होता है। यहाँ इसके अंतर्गत एक पुस्तकालय भी है और उस पुस्तकालय पर, बुक स्टॉल पर, भगवान बुद्ध और बाबा साहब से संबंधित किताबें। वो पुस्तकालय किस किस दिन खुलता है? पूरे सप्ताह तो नहीं खुलता? अब पहले ऐसा था कि यहाँ के जो पहले कार्यकर्ता थे दिलावर सिंह जी, उनको कुछ अपनी समस्याओं के कारण वो यहाँ से अपना छोड़ दिया था। अब हमने उनको जगह पर परमानेंट आदमी रख लिया। खजान सिंह जी नाम के व्यक्ति हैं, पलवल से आते हैं और वो बहुत ही समाज सेवी और काम को आगे बढ़ाने वाले हैं और बड़ी दृढ़ता के साथ अभी उनको। किस दिन खुलता है वो पुस्तकालय? अब प्रत्येक दिन खुलता है, ये हर सप्ताह में, सोम वर्किंग डे में एक दिन नहीं खुलता, शनिवार इतवार को अवश्य खुलता है।
और इस पर सुचारू रूप से काम किया जा रहा है। तो इसको संचालित करने का जो काम है भारतीय बौद्ध महासभा का, जो आपका दिल्ली प्रदेश का जो कार्यालय है जी, इसको भारतीय बौद्ध महासभा संचालित करती है जी। हाँ, उसके अलावा साल में और क्या क्या क्रियाकलाप को पूरे देश में भारतीय बौद्ध महासभा करती है? हाँ, भारतीय बौद्ध महासभा प्रदेशों में जो हमारी संस्थाएं, जब से हमारी ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बनाई गई है, हर एक प्रदेश में, हमारी पंजाब में शाखा बनाई गई है, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश, समूचे देश में इसकी ब्रांचेज हैं। ब्रांचेज जी हाँ। तो लगभग लगभग कितने कार्यकर्ता इस समय भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के अंतर्गत कार्यरत है? भारतीय बौद्ध इसमें हजारों की तादाद में लोग हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर दिल्ली में चार शाखाएँ, हमारा सादरा क्षेत्र, पटवर्धन क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर लगभग अभी तक आप लोग गजट के हिसाब से कितने लोगों को लगभग गजट के हिसाब से आप लोग अभी तक कितने लोगों को, कितने हजार अनुयायियों को बौद्ध धर्म का सर्टिफिकेट आप अपने दे चुके? लोगों में बहुत जागरूकता है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर प्रतिवर्ष जो कैंप लगाया जाता है उसमें अनुमानित कितने अब तक आप 7 दशकों के अंदर या 4 दशकों के अंदर कितने लोगों को आप सर्टिफिकेट दे चुके हैं? 4 दशकों के अंदर तादाद तो मैं एग्जैक्ट गिनती तो नहीं बता सकता, लेकिन लाखों लोगों को हमने बौद्ध धर्म की दीक्षाएं प्रदेशों में भी दी है और यहाँ दिल्ली प्रदेश में। मैं भारतीय बौद्ध महासभा के द्वारा ये आह्वान करना चाहता हूँ, सबसे ये मेरा निवेदन है, करवद निवेदन है, कि जो बाबा साहब ने सपना देखा कि मैं बौद्ध धर्म भारत को बौद्ध में भारत देखना चाहता हूँ, उसी के अनुरूप लोग आगे बढ़ें और बौद्ध धर्म के लिए आगे बढ़ने का काम करें, अपना स्वयं आएं, अपने परिवार को लाएं, अपने पड़ोसियों को लाएं और अपने रिश्तेदार वगैरह जो भी उनके संपर्क में लोग होते हैं उनको सबको बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाने का काम करें, तभी हमारा जो बौद्ध धर्म आगे बढ़ेगा और हमारे भारत देश की खुशहाली होगी। जय भीम, जय भारत।